अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं रशीद अहमद जफर स्टेट एंटरप्राइज से। जैसा कि मैंने आपको अपनी गुज़श्ता वीडियो में बताया था कि हम बैरी हाइट के मुताबिक आपको डिटेल प्रोवाइड करेंगे। बैरी हाइट बैरी टाउन कराची 1100 स्क्वायर फीट पर मबनी यह अपार्टमेंट है। 2 बेड, लाउंज, किचन, कॉर्डन। अच्छा, इसके 8 टावर्स जो अभी रेडी हो चुके हैं, जिसमें से इन्होंने 2 के पोजीशन भी दे दिए, और जो 6 टावर हैं उसकी विद इन 2 मंथ पोजीशन दे देंगे। वो हैं टावर्स ए और एच, जिसकी पोजीशन दे चुके हैं। और इसके अलावा टावर्स हैं बी, सी, डी, ई, एफ, जी। इनका पोजीशन में भी टाइम है, इसमें भी रेनोवेशन का कंस्ट्रक्शन का काम जारी है, कलर हो रहे हैं, मतलब फाइनल कोट है। विद इन 2 और 3 मंथ में ये इसका एक पोजीशन दे देंगे। अच्छा, बैरी हाइट में जो एक टावर है उसके ऊपर 9 फ्लोर हैं। नीचे ग्राउंड पर इन्होंने शॉप्स दी हैं, नीचे ग्राउंड पर 30 शॉप्स हैं, और ग्राउंड पर 10 अपार्टमेंट भी दिए हैं जो इनर साइड पर हैं, और हर फ्लोर पर 20 अपार्टमेंट्स हैं। इवन और ओड के नंबर्स हैं, मतलब अगर 1st फ्लोर है तो 101, 102, इस तरह 2nd फ्लोर होगा तो 201, 202। इवन और नंबर की अलग अलग प्राइस हैं, मतलब इनर की अलग प्राइस हैं, आउटर की अलग प्राइस हैं। इसमें वेरिएंट है, वेरिएशन वेरिएंट है, मतलब फ्लोर पे डिपेंड करता है कि आपने कौन से फ्लोर पे, उसकी प्राइस अलग अलग से होगी। इसके अलावा जो शॉप्स का साइज़ है, वो शॉप का साइज़ है कि 300 स्क्वायर फीट की भी शॉप्स हैं 20, और 350 स्क्वायर फीट की शॉप्स भी हैं वो 10 शॉप्स हैं। टोटल 30 शॉप्स हैं। एक टावर में 9 फ्लोर हैं, 30 शॉप्स हैं, और 20 अपार्टमेंट्स हैं ईच फ्लोर, मतलब 1st फ्लोर से स्टार्ट होगा, 9th फ्लोर तक 20 हैं, मतलब 180 अपार्टमेंट, और ग्राउंड के 10 अपार्टमेंट ला के 190 अपार्टमेंट्स बन रहे हैं एक फ्लोर के ऊपर। इसके अलावा बैरी हाइट की ऑफिशियल वैल्यू जो थी, जो बैरी हाइट ने स्टार्ट की थी बुकिंग, वो 50 लाख से स्टार्ट की थी। अब प्राइस अराउंड 1 मिलियन तक है, सॉरी 10 मिलियन तक है अराउंड प्राइस, और जिनकी पोजीशन दिए जा चुके हैं वो 10 मिलियन से इंक्रीज़ कर चुकी प्राइस। वो तकरीबन प्राइस है आपका 13 मिलियन 14 मिलियन, इसके अलावा इसके करीब करीब है। बाकी जिनकी पोजीशन अभी नहीं है उसकी प्राइस जो है वो 10 मिलियन की। तो मैंने बता दिया कि आपको इनर की और आउटर की प्राइस में डिफरेंस है, वो डिफरेंस कितना